रावण आई थी 2011 में और क्रिश 3 आई थी 2013 में, लेकिन जितना अच्छा VFX, CGI और फिल्म का प्लॉट रावण का था, उतना अच्छा क्रिश 3 का नहीं था। जबकि रावण तो एक नया कंसेप्ट था, लेकिन क्रिश एक पहले से ही स्टैब्लिश कैरेक्टर था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रावण को जितना मिलना चाहिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स उस वक्त नहीं मिला था। जी हाँ, शायद उस वक्त की ऑडियंस ऐसे नए कंसेप्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन साइंस फाई मूवी लवर्स और सुपर हीरोज के दीवानों को तब भी रावण पसंद आई थी और आज भी उसे देखना लोग पसंद करते हैं। और अगर रावण वर्सेस क्रिश 3 किया जाए तो हर मामले में रावण ही आगे निकलने वाली है। और अब जब क्रिश 4 की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि फिल्म का प्लॉट तय कर दिया गया है और स्क्रिप्ट लॉक हो गई है, तब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस फिल्म की कहानी को किसी हॉलीवुड साइंस फाई फिल्म से कॉपी ना किया गया हो और रावण की तरह ओरिजिनल रखा जाए। साथ ही जब क्रिश 4 फाइनली बनकर तैयार होगी तब 2025 या फिर 26 का वक्त होगा और उस वक्त मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी और अहम फिल्म कैंग डायनेस्टी रिलीज होने वाली है। और पहले जब कोई ज्यादा सुपर हीरो वाली फिल्में नहीं देखा करता था तब ऐसा चलता था कि आपने कहीं का कंसेप्ट उठाकर अपना फिल्म बना दिया, पर अब इंटरनेट का जमाना है इसलिए ये सब चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इंडिया का ऐसा ऑडियंस ग्रुप है जो मार्वल के काफी बड़े फैन है और साइंस फाई फिल्में देखना पसंद करते हैं, और आज के इंटरनेट के दौर पे अगर आपने कहीं से भी एक लाइन कॉपी किया ना तो वो बात 3 से 4 घंटे में ही ना वायरल हो जाएगी। जैसा हाल ही में ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर के पहले गाने शेर खुलगे के साथ हुआ, जिसकी ट्यून को मोस्ट पॉपुलर बॉय बैंड BTS की डायनामाइट से लिया गया था। इसलिए क्रिश 4 के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं और अगर इस फिल्म को इस एरा में हिट होना है और सबके दिलों को छूना है, सबके दिलों पर राज करना है, तो उन्हें कोई मिल गया और क्रिश जैसा जादू क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए जादू को वापस लाना ही होगा, क्योंकि अब जादू ही है क्रिश 4 की आखिरी उम्मीद। क्योंकि अगर फिल्म में जादू होगा तो आधे से ज्यादा लोग सिर्फ जादू को ही देखने के लिए थिएटर्स में जाएंगे। तो आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।